देश भर में छह के छह चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई सिवाय बंगाल के। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और छह के छह चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोटा जा रहा है। के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर उखाड़े गए, 2-2.5 लाख लोग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के अंदर फैले हुए थे। हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड पर, मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है जो आरोप लगा रहा है, लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है इसको कुछ ने तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तस्वीरें बहुत साफ कर रही, वीडियोग्राफी भी कई चैनलों के पास उपलब्ध है और मेरा सभी प्रचार माध्यमों से निवेदन है कि अपने अपने फुटेज सार्वजनिक करें। गेट टूटा ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर थे, प्रतिमा अंदर थी, कैसे तोड़ा गया प्रतिमा को? और तीसरी तस्वीर है जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रतिमा रखा था, इसकी तस्वीरें। ये दो कमरों के अंदर है, कोई बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं लगा हुआ है। ये ट्रिब्यून अखबार का तस्वीर है, दो कमरों के अंदर ये प्रतिमा लगी हुई। अब मेरा सवाल इतना ही है, 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था, ये किसने खोला कमरा? कमरे किसने खोले? किसके पास चाबी होती है? कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है? टीएमसी का है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इतने लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षा शास्त्री के पुतले को तोड़ना, मैं मानता हूं टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता भी यह जाननी चाहिए, ये कमरे के अंदर जो प्रतिमा थी तो कमरे की चाबी किसने दी? ताला भी नहीं टूटा है, चाबी कहां से आई, किसके पास आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कैसे चाबी आ सकती है जबकि भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे? वो सारी घटनाएं
सारे सबूत इंगित करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है, हारी हुई बाजी जीत में पलटने के लिए तोड़ा है। दूसरा, बंगाल का जिस प्रकार से 6 चरण में चुनाव चला है, ये सुनिश्चित हो गया है कि बंगाल के अंदर टीएमसी चुनाव हारने जा रही, और मैं बंगाल के अंदर कई सीटों पर सभा कर आया हूं। 16 सभाएं मेरी अब तक हुई हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हुई, हमारे वरिष्ठ नेताओं की भी। जिस प्रकार का जन सैलाब वहां हमें देखने को मिला है, हमें मालूम है कि बंगाल की जनता किस ओर जा रही है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पंचायत के चुनाव थे तब भी, ये कोई नई बात नहीं, मगर पंचायत के चुनाव थे इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव में 7 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या कर दी गई। देश भर में कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ होगा जहां 7 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या होगी। टीएमसी पर भी थप्पा लगाने का कार्यक्रम, इसके वीडियोग्राफी भी जारी हो चुके, और ये 6 चरण के चुनाव के अंदर भी भारी रिगिंग हुई, मगर 5वें चरण के बाद उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सिटर होते हैं, पैरोल फरलो कुदाकर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं, उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है। बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। एक 2 स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए? बंगाल के अंदर एक भी जगह हिस्ट्री सिटरों की अरेस्ट नहीं हुई, क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है? उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? मेरे पास सूचना है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है कि जब तक ये गुंडों को पकड़ेंगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग ने यहां से गुंडों को पकड़ने की सूचनाएं प्रारित नहीं की। अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवाल या निशान उठ रहे हैं। और मित्रों, मैं अभी भी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि 1 चरण बचा है, कम से कम 1 चरण के अंदर बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए करना चाहिए। 2 दिन पहले दीदी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि मैं बदला लूंगी, भाषण में धमकी दी। क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया? और ममता दीदी ये मानती है कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर वो चुनाव जीत लेगी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है। चुनाव लड़ने का, लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैलाओगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो। बंगाल की जनता कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती। मित्रों, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा का तांडव चला है, मेरा प्रेस माध्यम से भी, मीडिया के मित्रों से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। मैं एक चैनल नाम देना नहीं चाहता, अगर वो पूछेंगे तो बाद में दे भी दूंगा यहां पर ही, वो चैनल स्वतः पूछेगी तो। टाइटल क्या बनाते हैं मेरे रोड शो पर हमला होने के बाद? अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा, ये टाइटल होता है? या अमित शाह के रोड शो पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया, ये टाइटल होता है? कितना जस्टिफाई करोगे, कितना बचाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। बंगाल की जनता ने तय कर रखा है कि पराजय टीएमसी का निश्चित। मैंने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आप सब मुझे आंकड़ा पूछते रहते हो हर इंटरव्यू के अंदर, हर साक्षात्कार के अंदर कि भाई कितनी सीटें आएगी, क्या आएगी। मैं बंगाल देखकर आया हूं, पूरे देश में घुमा हूं, मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं, पूर्णतया आश्वस्त हूं। 5वें
और छठे चरण के अंदर भाजपा का अकेले का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और सातवें चरण के बाद अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है, 300 सीटों से ज्यादा सीटें प्राप्त कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और मैं बंगाल की जनता के आक्रोश को कल देख कर आया हूं, मुझे पूरा भरोसा है ये आक्रोश मत में परिवर्तित होने वाला है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर स्थिति बनाई है ममता दीदी ने, बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती। अभी अभी समाचार मिला कि मुझ पर FIR दर्ज की है। ममता दीदी, आपकी FIR से हम बीजेपी वाले नहीं डरते, मुझ पर तो सिर्फ आपने FIR करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका है। अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि मुझ पर FIR कर सातवें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता और जुनून के साथ और जोश के साथ और आक्रोश के साथ आपको हटाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। आप 23 तारीख तक का राह देखिए ममता दीदी, आपके दिन समाप्त।